नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय श्री महाकाल। मैं हूं रविंद्र मानकर, आप सभी के बीच आज एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आया हूं। आप सभी को बता देना चाहूंगा कि आज मैं गूगल एडसेंस पिन के बारे में आपको बताने वाला हूं। ये गूगल एडसेंस पिन है और ये मेरा वाला ही पिन है। ये इसके ऊपर एड्रेस डला हुआ है और इसके अंदर एक पिन होता है, ये आप गूगल एडसेंस पिन देख सकते हो। और ये आया है, इसका एड्रेस जहाँ से ये आया है, ये गोरेगांव मुंबई से ये पिन आता है। मैं आप सभी को आज ये बताने वाला हूँ कि ये जो गूगल एडसेंस पिन क्यों बुलाया जाता है या गूगल एडसेंस पिन क्या होता है। आप सभी ने यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों के वीडियोस को देखा होगा और उसमें एक एड आता है, उस एड को हम कई बार स्किप करते हैं क्योंकि वो एड 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट तक का एड होता है और वो वीडियो में 2 से 3 बार आता है। उस एड का जो यूट्यूबर होते हैं उन्हें पैसा मिलता है। यूट्यूब पर हमें व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए यूट्यूब हमें वो सुविधा देता है कि हम यूट्यूब से हमारा बिजनेस कर सकते हैं, हमारा व्यापार कर सकते हैं। और इस पिन को बुलाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ता है, ये गूगल एडसेंस पिन हमें कब मिलता है ये बताने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले कोई व्यक्ति या नया यूट्यूबर जब यूट्यूब बनाता है, यूट्यूब पे वीडियोस डालना चालू करता है, वह व्यक्ति कॉपीराइट नोटिस से बचता है, स्ट्राइक से बचता है, नो कॉपीराइट म्यूजिक, नो कॉपीराइट वीडियो से बचता है और आगे बढ़ते जाता है। उसके जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं और 4000 घंटे का वॉचिंग टाइम कंप्लीट कर लेता है, तब वह गूगल एडसेंस जो खाता बनाता है, उस खाता बनाने के बाद जब $10 इसके अंदर आ जाते हैं, इस गूगल एडसेंस खाते के अंदर जब $10 हो जाते हैं, तब हमें गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। गूगल एडसेंस पिन के अंदर जिस तरह से हम मार्कशीट, हमारी कक्षा में हम कोई फॉर्म भरते हैं या जो हमारा 10वीं 12वीं एग्जाम देने के लिए हम फॉर्म भरते हैं, जिस तरह से उसमें नाम का जितना महत्व रहता है, एड्रेस का जितना महत्व रहता है, ऐसे ही इस गूगल एडसेंस पिन के लिए भी हमें अप्लाई करना पड़ता है। गूगल एडसेंस खाता बनाने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है, उससे एक आईडी बनती है, एक आईडी जनरेट होती है। और जब खाता बनाने के बाद हमारे वीडियोस पे एड आते हैं और उस एड आने के बाद में जब उसके ऊपर $8 के रूप में वो पैसा आता है और लगभग जब $10 हो जाते हैं, उसके बाद में हमें यूट्यूब पे जो गूगल एडसेंस खाता होता है उसको हम गूगल पिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एडसेंस पिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस एडसेंस पिन आने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि भाइयों अब लगभग हमें पेमेंट मिल सकती है। जब $10 से बढ़कर हमारी $100, हमारे वीडियोस के ऊपर एड निरंतर आते रहते हैं, हमारे $100 हो जाते हैं। $100 हो जाने के बाद हमारी फर्स्ट पेमेंट आती है। उस पेमेंट आने की समयावधि है कि 20 से 30 तारीख के बीच तक पेमेंट आती है। और आप सभी को ये बता देना चाहूंगा कि मैंने आप लोगों को ये बताया कि मेरा गूगल एडसेंस पिन आ चुका है, इसके अलावा मुझे पेमेंट कितनी बार मिली है, पेमेंट कितनी बार मिली यूट्यूब से, तो मुझे लगभग 2 बार पेमेंट मिल चुकी है और इसके अलावा तीसरी पेमेंट मिलने वाली है। इसके अलावा मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं। और किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा अनुभव वही है कि उसने यूट्यूब पे कितने वीडियोस डाले, कितने टाइटल डाले हैं और कितने उसके वीडियोस वायरल हुए हैं। तो मेरे वीडियो जो मिलियन तक भी वीडियो मेरे वायरल हुए हैं और कुछ वीडियोस को मैंने, जब चैनल डिसेबल हो गया था एक बार, तो मैंने वीडियोस को डिलीट भी किया है। और आशा करूंगा दोस्तों कि मैंने जो आप सभी को बताया कि गूगल एडसेंस पिन प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ता है, मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ यही बताना है कि गूगल एडसेंस पिन हमको अगर लाना है, हमें यूट्यूब से पैसा कमाना है, तो कितनी मेहनत करना चाहिए। रही चीज की इसको कैसे अप्लाई करते हैं, कैसा खाता बनाते हैं, तो बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे। लेकिन जिस तरह से कहते हैं ना कि अध्यात्म में गुरु के बिना नहीं बढ़ा जा सकता, उसी प्रकार से यूट्यूब जो एडसेंस खाता है, यूट्यूब की दुनिया है, जिसमें यूट्यूब में जब हम यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डालते हैं और हम वायरल होना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो वहां भी हमें एक ज्ञानवर्धक साथी की आवश्यकता होती है, एक यूट्यूबर की आवश्यकता होती है, जो हमें हर आने वाली जो खतरनाक जो सामने होते हैं उससे हमें, जो आने वाले खतरनाक मोड़ होते हैं उनसे हमें सतर्क करता है। जिस तरह से मानव जीवन में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं, उसी तरह से यूट्यूब पे भी मोड़ आते हैं। अगर आप किसी का म्यूजिक
आप कॉपीराइट म्यूजिक डाल दोगे तो कोई भी व्यक्ति आपको स्ट्राइक दे सकता है, 3 स्ट्राइक के बाद आपका चैनल डिसेबल हो सकता है। तो दोस्तों आपको यूट्यूब पिन, जो गूगल एडसेंस पिन है, गूगल एडसेंस खाता है, और इसके अलावा यूट्यूब से कैसे पैसे कमाए जाते हैं, यूट्यूब में कितने पैसे फर्स्ट पेमेंट में आते हैं, सेकंड पेमेंट में कितने आते हैं, कितने डॉलर पे कितने पैसे मिलते हैं, कितने व्यूज पे कितने पैसे आते हैं, ये सभी जानना है तो आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए। कमेंट्स में आप आपका प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री महाकाल।